सो गाइस, पम्पकिन ये एक हॉरर मूवी से है। तो कहानी है कुछ जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा घर होता है जहाँ पर पेम नाम की एक लड़की जो अपने अंकल के साथ रह रही होती है। अंकल जो है अपने घर के बाहर कद्दू उगाए हुए होते हैं और कुछ लौंडे जो हैं अंकल को परेशान करने में और कद्दू को नुकसान करने में उन्हें बहुत मजा आता है। एक रात की बात है, जब अंकल बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके कद्दू को जो है उन लोगों ने नुकसान किया हुआ होता है और उस पर जो है भयानक से चित्र बनाए हुए होते हैं। अंकल जो है बहुत ही नाराज हो जाते हैं क्योंकि वही उनकी जिंदगी, रोटी वोटी सब कुछ वही होता है। और उनकी अचानक से ये देखकर तबीयत बिगड़ने लगती है और उसी कद्दू के सामने वो जो है दम तोड़ देते हैं और उनकी जान चली जाती है। तभी उस कद्दू के जो शाखाएं होती है वो उनके शरीर पर रेंगने लगते हैं और अचानक से वो एक शैतान बन जाती है और उनका जो शरीर होता है, उनका जो माथा होता है वो एक कद्दू का हो जाता है और भयानक से दांत निकलने लगते हैं। वो लौंडे फिर रात को आते हैं परेशान करने के लिए पेम को, लेकिन पेम जो है बंदूक लेकर बाहर निकलती है उनसे मुकाबला करने के लिए। तभी वहाँ पर अंकल जो शैतान बन चुके होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और उन सभी को अच्छे से सबक सिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी आगे बढ़ती हो तो कुछ लड़की और लड़के की एक टीम जो है जंगल में आ जाते हैं, यानी उसी अंकल के घर के इलाके में आ जाते हैं। और तभी पेम जो है वहाँ पर चली जाती है और उन्हें समझाती है कि यहाँ से चली जाए, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो सभी लड़की अब जाएगी नहीं जाएगी, आगे क्या होने वाला है, कितने लोगों की जान जाएगी और अंकल कितने लोगों की जान लेने वाले हैं, क्या होने वाला है, यही आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। तो बात करूँ तो ये मूव जो है आपको पुराने टाइप की मूव की जो है आपको फील देने वाली है। VFX बहुत कमज़ोर है और बैकग्राउंड में भी बात करूँ तो बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड है आज की मूव और आज की जो क्वालिटी हम मूव में देखते हैं वो सब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जो मूव थोड़ा निराश करेगी, बाकी इसे IMDb पर 2.6 की रेटिंग मिली है।